हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो फॉर यू। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे बात करने वाले हैं स्टेनो के बारे में, स्टेनो हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दोनों के बारे में, और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयार कराया जाएगा। अभी SSC स्टेनोग्राफर का भी 12 और 13 को पेपर हुआ है, उसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनो की मतलब वैकेंसी थी। और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं हिंदी स्टेनो के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैकेंसी आई थी, APS अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी आई थी, 328 वैकेंसी आई थी। इसको हम ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। और बाकी SSC स्टेनोग्राफर में भी जो बच्चे अपना लैंग्वेज हिंदी के सिलेक्ट किए होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। अभी UP SSC में भी आपको वैकेंसी आई है हिंदी आशुलिपिक की, तो हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर करेंगे, दोनों का अलग अलग टाइमिंग होगी। हम बात करेंगे अभी APS की, तो इसको हम 30 चैप्टर में पूरा क्लियर करेंगे हिंदी आशुलिपिक। और ये 30 चैप्टर हम 50 से 60 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। जब हम बेसिक कंप्लीट करेंगे तो आपका उस टाइम तक लगभग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट हो गया होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं है कि बेसिक कंप्लीट कराएंगे, साथ साथ में आपका हम डिक्टेशन भी लेते रहेंगे और अभ्यास आपसे काफ़ी ज़्यादा कराएंगे, जिससे कि आपको उतने टाइम में ही आप स्पीड भी कवर कर पाओ। अब ये तो हो गया 40 वर्ड पर मिनट, हम तो आपको बेसिक के टाइम ही कंप्लीट करा देंगे, लेकिन APS में जो है इसमें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्टेनो, और टाइपिंग जो है 25 वर्ड पर मिनट इतना चाहिए। तो बाकी 40 के लिए हम अलग से स्पीड का बैच लेके आएंगे, स्पीड का अलग से बैच चलेगा, जिसमें आपको हम 80 वर्ड पर मिनट कंप्लीट कराएंगे। अब आप ये है, हम YouTube पे आपको क्लासेस पूरा फ्री उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए आपको यही है कि हमारे YouTube चैनल से जुड़ना पड़ेगा और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे क्लास टाइम पे उपलब्ध हो जाया करें।